आज हम लोग दसम वर्ग के गद्य खंड में पाठ 10 नेताजी का चश्मा, जो स्वयं प्रकाश जी के द्वारा लिखित है। सबसे पहले हम स्वयं प्रकाश जी के बारे में कुछ जानने का प्रयास करें। श्री स्वयं प्रकाश आधुनिक युग के अमर प्रतिष्ठित लेखक हैं। इनका जन्म इंदौर में सन 1947 में हुआ। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। सेवानिवृत्ति के पश्चात ये वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी। जो कहानी है नेताजी का चश्मा, उस कहानी का सार हम बताने जा रहे हैं। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को उजागर करती है, जिन्होंने देश के निर्माण में अपने अपने ढंग से योगदान किया। हौलदार साहब को कंपनी के काम के सिलसिले में एक छोटे कस्बे से गुजरना पड़ता था। उस कस्बे की नगर पालिका ने मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की एक प्रतिमा लगवा दी। मूर्ति बनाने का काम कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर को सौंपा गया। मूर्ति बहुत सुंदर थी, पर नेताजी की आंखों पर संगमरमर का चश्मा नहीं था, एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हौलदार साहब को कस्बे के नागरिकों की यह कोशिश एवं भावना अच्छी लगी। हौलदार साहब जब भी उस कस्बे से गुजरते, मूर्ति का चश्मा बदला हुआ मिलता। तीसरी बार नए चश्मे को देखकर उन्होंने चौराहों के पास एक पान वाले से बार बार चश्मे के बदले जाने का कारण पूछा। पान वाले ने बताया कि कैप्टन चश्मे वाला यह काम करता है, वह चश्मे के फ्रेम बदल। किसी ग्राहक को नेताजी की प्रतिमा पर लगा फ्रेम चाहिए तो वह मूर्ति पर लगा फ्रेम ग्राहक को दे देता है और वहाँ अन फ्रेम लगा देता है। जब हौलदार साहब ने पूछा कि नेताजी का असली फ्रेम कहाँ गया, तो पान वाले ने उत्तर दिया, मास्टर बनाना भूल गया। वास्तव में यह मूर्ति मोतीलाल ने बनाई थी। वह संगमरमर का पारदर्शी चश्मा नहीं बना पाया, अथवा बनाना भूल गया। कैप्टन चश्मा वाला न तो नेताजी का साथी है और न ही आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। वह तो एक बूढ़ा दुबला लंगड़ा आदमी है जो चश्मे बनाता है। 2 साल तक हौलदार साहब उसके कस्बे से गुजरते रहे, हर बार उन्हें नया चश्मा देखने को मिलता। एक बार उन्हें मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं दिखा। उन्होंने जब पान वाले से इस बारे में पूछताछ की तो पान वाले ने बताया कि कैप्टन मर गया। हौलदार साहब यह सुनकर चुपचाप खड़े रहे। 15 दिन बाद कैप्टन उधर से फिर गुजरे। उन्होंने सोचा कि मूर्ति की तरफ नहीं देखेंगे, लेकिन चौराहा आते ही उनकी आंखें मूर्ति की तरफ उठ गई। उन्होंने देखा कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। वे भावुक हो उठे और उनकी आंखें भर आई। मूर्ति पर लगा सरकंडे का यह चश्मा उम्मीद जगाता है कि यह धरती देशभक्तों से शून्य नहीं हुई है। यदि मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कैप्टन मर गया है तो कोई न कोई उसकी जिम्मेदारी को अवश्य संभालेगा। सरकंडे का चश्मा देखकर हौलदार साहब की यह उम्मीद और भी बलवती हो गई, क्योंकि सरकंडे का चश्मा किसी गरीब बच्चे के द्वारा, अतः गरीब बच्चों में भी देशभक्ति की भावना विद्यमान है। सीमा पर देश की रक्षा करना तो प्रेम का परिचायक है ही, इसके अलावा पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपने कर्तव्यों और कार्यों को पूरा करना भी देश प्रेम का परिचायक है। एक अध्यापक पूर्ण निष्ठा से छात्रों को सद्गुणों और देश प्रेम का संस्कार देकर शिक्षित करता है, यह भी देश प्रेम की भावना के अंतर्गत ही आता है। नेताजी का चश्मा शीर्षक पाठ के द्वारा लेखक स्वयं प्रकाश यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपने स्वार्थ के स्थान पर देश की चिंता भी करनी चाहिए तथा देशभक्तों के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखना चाहिए। हमें देशभक्तों के प्रति श्रद्धा रखने वाले किसी भी व्यक्ति का अनादर अथवा उपहास नहीं करना चाहिए, चाहे वह व्यक्ति आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से निम्न स्तर का माने जाने वाले वर्ग का ही क्यों न हो।